नमस्कार, न्यू कॉबेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। श्री हनुमान धाम का स्थापना दिवस हनुमान धाम छोई में धूमधाम से मनाया गया। हनुमान धाम छोई में आज श्री हनुमान धाम में स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया गया। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में यह आयोजन श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण रहा। कार्यक्रम का शुभारम्भ श्री हनुमान जी के पूजन एवं हवन से हुआ। इसके पश्चात अखंड हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। पूज्य आचार्य विजय ने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में कहा कि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से जीवन में सकारात्मकता और सिद्धि प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि भगवान को भोग लगाने से भोजन में दिव्यता और विशेष गुण आ जाते हैं। इसके बाद प्रसिद्ध भजन गायक विवेक शर्मा ने अपने मधुर भजनों से भक्तों को भावविभोर कर दिया। उनके भजनों पर सभी श्रद्धालु झूम उठे। लगभग 20,000 भक्तों ने श्री हनुमान जी के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। इस पावन अवसर पर भंडारे का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और ट्रस्टियों में अशोक बंसल, राजीव अग्रवाल, सतनाम सिंह, प्रेम जैन, दिनेश अग्रवाल, सुशील तायल, पवन अग्रवाल, विनीत जैन, विष्णु बंसल, सत्यवान गर्ग, रविन्द्र बंसल, गिरीश गोगिया, सुरेश गोयल, अगवान कराम और सहाय अग्रवाल सहित सैकड़ों गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। आचार्य विजय ने इस अवसर पर हनुमान जी की भक्ति और उनकी कृपा से जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों पर प्रकाश डाला। इस तरह के धार्मिक आयोजनों से समाज में सद्भावना और भक्ति की भावना बढ़ती है। आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉबेट समाचार रामनगर छुई से। न्यू कॉबेट समाचार की है विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। हेलो, स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर श्री हनुमान धाम में पधार रहे सभी भक्तों का हम श्री हनुमान सेवा ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं हर साल यहाँ पर, जैसे कि आज स्थापना दिवस है और इतना मनोरम दृश्य है यहाँ का, देखने लायक है। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु लोग आते भी हैं यहाँ पर, और मैं हर साल आती हूँ यहाँ पर। एक और दो बार ज़रूर आना होता है मेरा यहाँ पर। सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ, हाँ, तीर्थ स्थल है हनुमान जी का। यहाँ पर मंदिर है, काफ़ी हज़ारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और आज जैसे कि स्थापना दिवस है तो आज भी हम सोच रहे हैं बहुत सारे लोग रहेंगे जिनकी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं, वो यहाँ आकर अपनी अपनी मनोकामनाएँ पूरी करेंगे और यहाँ उनका आशीर्वाद लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर हनुमान जी के 9 स्वरूप हैं और 12 लीलाएँ उनकी यहाँ मूर्तियों में दिखाई गई हैं, जिसके बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। आप उनका चेहरा देखेंगे तो लगेगा कि बिल्कुल साक्षात हम उनका ही दर्शन कर रहे हैं, राम जी का और हनुमान जी का। भक्तगण से मेरा अनुरोध है कि वो यहाँ पर ज़रूर आएं, एक बार ज़रूर मत्था टेकने आएं और यहाँ का यहाँ उनकी उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। जय हनुमान, जय बाबा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बाबा की। मेरा नाम सुबंधा है, मैं यहाँ रामनगर से ही हूँ। ये बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है। यहाँ हर साल बड़े हर्षोल्लास से यह प्रोग्राम किया जाता है। यहाँ 9 स्वरूप और 12 लीलाएं हैं। यह विश्व का 5वां सबसे सुंदर और भव्य मंदिर है। यह मंदिर आके बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है, बहुत मन को शांति मिलती है। यह बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर बना हुआ है। हर साल यहाँ आते हैं, यहाँ जो भी मनोकामना होती है हर मन की हम पूरी होती है। हनुमान धाम छोई में मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर 17 नवंबर 2011 को ये स्थान आचार्य जी को दिखाया गया था
उन्होंने कहा कि ये स्थान ऐसा स्थान है कि प्रतीत होता है यहाँ पर कभी हनुमान जी ने विश्राम किया है और यहाँ पर एक बड़े धाम की स्थापना होनी है, ऐसा उनको प्रतीत हुआ। तो ये स्थान जो है हनुमान धाम के लिए है, उन्होंने कुछ समझा और यहाँ पर उसी दिन इसका नील पत्थर रखा गया और नील पत्थर रखने के बाद में इस अंजनी ग्राम हनुमान के नाम से जाना जाने लगा, जो पहले अंजनी हनुमान जी की माता जी का नाम है, इसलिए अब ये सोई ग्राम है, ये अंजनी ग्राम सोई के नाम से जाना जाता है। और सबसे आज तक यहाँ पर जो है लाखों लोग प्रत्येक वर्ष आके हनुमान जी के चरणों में आके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। जय बाबा जी। महाराज जी जय बाबा की। आज स्थापना दिवस मनाया गया है बाबा का, थोड़ा सा बताइए कार्यक्रम के बारे में कैसा रहा। और श्री हनुमान धाम की स्थापना 17 नवंबर 2011 को इसी भूमि पर हुई थी जहां इस समय हनुमान धाम स्थित है। हर वर्ष हम ये स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाते हैं जिसमें पूरे देश भर से जितने भी हमारे ट्रस्टी श्रद्धालु और भक्तगण हैं हनुमान जी के, वो यहां पर दर्शन करने आते हैं। अखंड भंडारा भी चलता है जो आज सवेरे 11 बजे से यहां भी चल रहा है। इसी प्रकार हमने चैत्र मास के अंदर 2016 में यहाँ पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया था, जो हनुमान जयंती का दिन जिसे कहा जाता है, हम उसको हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। तो वो चैत्र यानी अप्रैल के अंदर रहता है हर वर्ष। तो हमारे वार्षिक ये दो कार्यक्रम हनुमान धाम से हम हर वर्ष करते हैं। बाबा ने अपने जिस स्वरूप में यहाँ पर प्रतिष्ठा की और अपना स्थान ग्रहण किया, ये आज की तारीख में दिव्य स्थान बन चुका है। और पूरे कुमायूं रीजन के अंदर सभी भक्त अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी हमारे पास जानकारी है। आप सभी भक्तों को जो आज यहाँ पधारे हैं, सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ, आपका जीवन सुखी रहे, मंगलमय रहे और श्री हनुमान जी की कृपा बनी रहे।